हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 10th जनवरी 2023 के लिए। चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेंड में, यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन मतलब यहाँ पे मंडे के दिन स्टॉक में 2.28% का नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला। क्लोजिंग यहाँ पे 12.1975 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा है जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपका यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे वॉल्यूम की, एवरेज से हमें वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल एक यहाँ पे जरूर मीडियम साइज की बनी और दोनों के साइड में छोटी छोटी, नीचे की साइड में छोटी, ऊपर की साइड में बारीक सी वीक हमें एक तरह से देखने मिल रही है। RSI की बात करें तो ओवरसोल्ड एरिया में करंटली हमारा RSI जो चल रहा है जो यहाँ पे 23-24 के आसपास जो आ गया, जो हमें एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा जरूर देता है। लेकिन याद रखना, RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट का है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो पॉजिटिव मूवमेंट हुआ वो टेम्पररी होगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मूव जरूर एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले अपसाइड मूव जो है हमें 1249 के आसपास देखने मिलेगी। अगर उसको भी क्रॉस करते गया तो स्टॉक में अपसाइड मूव जो है वो इजीली 1277 के आसपास जाते हुए देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें। बाकी क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें इंट्राडे में, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो आपके फेवर में होगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। रिसेंटली हमने स्टॉक एनालाइज किया था, वहाँ पे भी हमने आपको कहा था कि यहाँ पे ट्रेंड जो है नेगेटिव था तभी भी। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए क्या लेवल्स है। तो अगर उन लेवल को जानना है तो लास्ट जो हमारा रिसेंट जो है ट्रेंड का वीडियो है उसको आप जरूर देख ले। यहाँ पे क्योंकि डेटा में कोई चेंजेस नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको जो है अभी कह नहीं रहा हूँ। यहाँ पे सेम टू सेम वही हमारे डेटा है जो शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको आप जरूर जो है कंसीडर में रखते हुए अपना जो है ट्रेड लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जिस तरह से आपको पोजीशन बना है उस तरह से जो आप यहाँ पे बना सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लें, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं मंडे के क्लोजिंग के बेसिस पे कल स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उसको यहाँ पे जरूर हमें देख लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे डेटा में जो चेंजेस है वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। मैं चाहूंगा आप भी अपने चार्ट पे जो वो कर ले, जो भी मैं एडिशनल यहाँ पे जो है बाई यहाँ पे जो है एडिशनल मार्किंग और जो निकाल रहा हूँ आप जरूर अपने चार्ट में जो है कर ले। यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ इसको जूम करके सीधा क्लोजिंग की। तो यहाँ पे क्लोजिंग की बात करें तो 1219 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 1212 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 1221 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या अगला सपोर्ट आता है 1203 का, उसके बाद क्या था 1193 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1230 का,
उसके बाद क्या था 1241 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रीजन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो है, मंडे के क्लोजिंग के बेसिस कल के लिए जो है ट्यूजडे के लिए ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का मूवमेंट यहाँ पे ज्यादा बड़ी हमें नहीं देखने मिली, लेकिन फिलहाल 1221 से लेकर 1230 के रेंज में हम क्लोजिंग के एक्सपेक्टेशन जरूर कर रहे हैं। थोड़ी सी अगर गैप अप ओपनिंग हुए 1222 के ऊपर तो स्टॉक और भी जो ऊपर जा सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें जरूर देखने मिलेगा, इस रेंज में हमारी क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।